तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। देखिए, नतीजों से पहले न्यूज स्ट्रीट का एग्जिट पोल। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ी बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी 2019 वाला प्रदर्शन मध्य प्रदेश में दोहरा सकती है। बीजेपी को 28 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी देखिए बीजेपी 10 सीटें लेकर जा रही है। तो मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। बीजेपी अब 2019 वाला जो प्रदेश में रिजल्ट निकलकर आया था वो दोहरा सकती है, ऐसी बात सामने आ रही है। हालांकि क्या कुछ होगा 4 जून को स्पष्ट हो जाएगा। नतीजों से पहले एग्जिट पोल के आंकड़े। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ी बढ़त मिलती नजर आ रही है। 2019 वाला प्रदर्शन कर सकती है, दोहरा सकती है भारतीय जनता पार्टी। 28-1 का आंकड़ा, बीजेपी को 28 सीटें मिल सकती है। कांग्रेस को 1 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। तो 2019 वाला प्रदर्शन एक बार फिर से, जो रिजल्ट सामने आया था 2019 में लोकसभा चुनाव में 28 सीटें गई थी बीजेपी के खाते में, 1 सीट